हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जतिन सैनी। वेल्कम टू सिविल इंजीनियरिंग क्विक सॉल्यूशन। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम एस्टीमेशन कॉस्टिंग में जो मेज़रमेंट है किसी स्ट्रक्चर की, वो कैसे करते हैं, या फिर किसी भी स्ट्रक्चर में अगर आपको क्वांटिटीज़ जो मटेरियल आपने यूज़ किया उसको मेज़र करना है तो उसके हम कैसे मेज़र करते हैं, कौन कौन से हमारे पास मेथड है उसको मेज़र करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास दो मेथड हैं उनको मेज़र करने के लिए। सबसे पहले हमारे मेथड का नाम है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, और सेकंड मेथड है सेंटर लाइन मेथड। तो आज हम टॉपिक में, आज का टॉपिक है हमारा लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। तो सबसे पहले जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो ये है हमारे पास एक रूम का प्लान। प्लान मतलब उसका टॉप व्यू, यानी कि जब आप उस रूम को ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा ये रूम। उसके बाद जो आप साइड में दूसरा जो आप फिगर देख रहे हो, ये है हमारे पास उसका क्रॉस सेक्शन, उसकी फाउंडेशन का, यानी कि जब आप जैसे ये दीवार है, इस दीवार को ऐसे बीच में से काट के देखोगे तो आपको ये एक दीवार दिखेगी ऊपर, और नीचे आपको दिखेगा ये इसका फाउंडेशन की जो क्रॉस सेक्शन है वो। तो जैसे अगर मैं आपको 3D में यहाँ समझाऊँ थोड़ा, तो ये ऐसे आपको दिखेगा, जैसे ये दीवार है इसके नीचे बिल्कुल ये आपको दीवार दिखेगी, और ऐसे आपको उसका क्रॉस सेक्शन दिखेगा ये नीचे। तो ये आपको दोनों तरफ ऐसे ही होगा सेम, आप समझ रहे हो, दोनों तरफ ये बिल्कुल सेम होगा। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड होता गया है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे हम मेज़रमेंट करते हैं, जैसे हमारे पास रूम है कोई, इसकी दीवारों की हम मेज़रमेंट कर रहे हैं, आपने एक रूम बना दिया, उसके बाद आपको इसकी पेमेंट करनी है। तो आप इसकी इसको सबसे पहले आप इसको मेज़र करोगे, कितना हमारा स्ट्रक्चर बना है, इसके अंदर कितना मटेरियल यूज़ हुआ है, तो आप सब कुछ मेज़र करोगे। उसके लिए आपको मेज़रमेंट करनी आनी चाहिए। जैसे इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो लंबे वाली दीवार है हमारी, जैसे ये हमारी लंबे वाली दीवार है, ये 5 मीटर है, जैसे ये 4 मीटर है, तो ये 5 मीटर ये अंदर से है, आपको ये बात याद रखनी है, यहाँ पे ये 5 मीटर अंदर से है। तो हम इसको बाहर से मेज़र करेंगे टोटल, तो ये टोटल कितना होगा, 0.3 ये होगा इस तरफ, 0.3 ये होगा, 5 इसके अंदर की होगी, यानी कि 5.6 हो जाएगा ये। कैसे, 5 प्लस 0.3 प्लस 0.3, यानी कि 5.6 हो गया। ये आपकी होगी एक दीवार। उसके बाद इस जो अब किसके सामने वाली दीवार है बिल्कुल, इसकी भी लेंथ बिल्कुल सेम होगी, तो ये भी हमारी 5.6 होगी। उसके बाद जो हमारी शॉर्ट वॉल है, जो हमारी छोटे वाली दीवार है, उसको हम मेज़र करेंगे अंदर से, जैसे कि यहाँ से ये जो आपको पता है 4 मीटर, ये गिवन है। इसको हम बाहर से क्यों नहीं करेंगे, जैसे अगर आप यहाँ से यहाँ तक इसको बाहर से मेज़र करते हो तो क्या होगा कि जो ये वाला एरिया होगा, ये वाला, इसको आप 2 बार मेज़र कर दोगे। इस तरफ से जब मेज़र करोगे तब भी ये एरिया ऐड हो जाएगा इस वाली लेंथ पे 5.6 में, और जब 4 मीटर वाली ये छोटे वाली जो लेंथ आप जिसमें आप मेज़र करोगे तो उसमें भी ये ऐड हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका एरर आ जाएगा, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, जो रियलिटी में कॉस्ट कम है वो आपको थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। तो इसलिए हम इसको अंदर से मेज़र करते हैं। जो आपकी शॉर्ट, जो आपकी स्पैन होगी उसको हम इंटरनली मेज़र करेंगे, और जो आपकी लॉन्ग स्पैन होगी उसको हम एक्सटर्नली मेज़र करेंगे, ये आपको याद रखना है। तो ये आपका थोड़ा बेसिक मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि जैसे ये हमारे पास एक प्लान है और एक क्रॉस सेक्शन है फाउंडेशन का, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फाउंडेशन के बारे में थोड़ा, कि फाउंडेशन से हम कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो जैसे आप ये देख रहे हो, ये जो सबसे नीचे वाली जो आपकी स्ट्रिप है 0.9 मीटर, हम क्या करेंगे, ये आपकी जैसे एक दीवार है, इस तरफ भी आपकी एक ऐसी सेम है जैसी दीवार होगी, उसके नीचे भी सेम ऐसे ही आपकी फुटिंग ऐसे ही होगा बिल्कुल सेम। ये आपको थोड़ा इस तरफ से थोड़ा, लेकिन आपको समझने के लिए मैं इसलिए थोड़ा बना दिया आपको। तो आपको क्या करना है, आपको इसकी लेंथ मेज़र करनी है नीचे से, तभी तो आपको पता लगेगा कि आपने कितनी एक्सकेवेशन की नीचे, यानी कि आपने कितना नीचे इसको खोदा, इसकी विड्थ कितनी, इसकी लेंथ कितनी थी। तो लेंथ के लिए जब आपको पता करना है तो आपको इतना एरिया आपने सपोज किया, इतने एरिया की आपने एक्सकेवेशन की, यानी कि इतना एरिया आपने खोदा नीचे, उसमें से मिट्टी निकाली या मिट्टी डाली उसमें, तो आपको लेंथ पता होनी चाहिए। अब आपको लेंथ पता है सिर्फ इन दो दीवारों के बीच की, ये सपोज कर हमारी लंबे वाली लेंथ है, जैसे आप जैसे मैंने आपको बताया था 5.6 मीटर वाली लेंथ, यानी कि ये वाली लेंथ है, ये वाली। तो अब आपको ये तो पता है, यानी कि आपको सिर्फ यहां से लेके सिर्फ यहां तक की लेंथ पता है, तो आपको जो इतने वाली इधर नहीं पता और जो इतने वाली इस तरफ है वो नहीं पता। इसको आप कैसे फाइंड करोगे, ये आपको आप थोड़ा सा देखना है, थोड़ा समझना है इसको।
जैसे ही आपकी दीवार है उसके नीचे आपकी सबसे पहले वाला स्टेप है जो इसकी जो आपकी लेंथ है वो है 0.5 मीटर। अब आप 0.5 में से हमें चाहिए सिर्फ इस तरफ वाली, क्योंकि दीवार तक तो हमें पता है इस तरफ, हमें इसे इस तरफ से चाहिए हमें लेंथ, यानी कि हमें ये लेंथ चाहिए, ये टोटल ये फाइंड करनी है हमें। इसको हम स्टेप्स के थ्रू फाइंड करेंगे, यानी कि आप क्या करोगे, जैसे कि आपको पता है कि ये 0.5 मीटर है, इसमें से आप 0.3 जो ऊपर वाली दीवार की है ये वाली, ये आप माइनस कर दोगे, आपके पास आ जाएगी 0.2, यानी कि अब इसके बिल्कुल सेंटर में ये दीवार, यानी कि 0.1 इस तरफ होगी और 0.1 इस तरफ होगी, मीटर में है ये एक्चुअली, तो 0.1 मीटर इस तरफ होगी, 0.1 मीटर इस तरफ होगी। उसके बाद ये आपने फाइंड कर ली, इसके बाद अब आपको ये फाइंड करनी है, ये आप कैसे फाइंड करोगे, आपको 0.6 ये इसकी पूरी की पता है, उससे ऊपर वाले की 0.5 है, इसमें से माइनस करोगे आपको पता लगेगा 0.1 मिलेगी। अब ये 0.1 इधर भी सेम होगी, इधर भी सेम डिवाइड होगी, यानी कि अगर मैं 0.1 को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 0.05 मीटर, इस तरफ भी 0.05 मीटर, यानी कि दोनों तरफ 0.5, 0.05, 0.05 दोनों तरफ होगी। उसके बाद हमें हम आ गए अब इसके ऊपर, ये हमें फाइंड करनी है, ये कैसे फाइंड करेंगे, 0.9 मीटर में से 0.6 आप माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 0.3, यानी कि 0.3 में से इक्वली डिवाइड होगी इस तरफ भी इस तरफ भी, तो ये कितना होगा, यानी कि 0.15 इस तरफ होगी और 0.15 इस तरफ होगी मीटर में, ये आपको याद रखना है। तो अब जब आप इन तीनों को प्लस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, ये 1 1+2+0.05, ये होगा 0.3, ये आपके पास आ जाएगा 0.3, यानी कि आपको 0.3, आप इस ये जो आप लेंथ है ये आपके पास 0.3 आ गई, जो मैंने आपको बताई थी जो नीचे ये 0.3, यानी कि ये वाली लेंथ, ये आपके पास 0.3 आ गई, यानी कि 0.3 ये इस तरफ से होगी तो 0.3 इस तरफ से होगी, यानी कि आपको टोटल लेंथ पता लग जाएगी। अब ये कितनी होगी, 0.3 ये, 0.3 ये होगी 0.6, तो जब आप 5.6 में 5.6+0.3+0.3 दो बार हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जितनी इस तरफ होगी सिमेट्रिक है हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर, ये सिमेट्रिक है मतलब ये सेम ही है दोनों तरफ, तो यहाँ पे भी 0.3 होगी, ये भी 0.3 होगी, तो 0.3 0.3+5.6, तो हमारा टोटल हो जाएगा 6.2 मीटर। ये हमारी एक जो हमारी फाउंडेशन है सबसे नीचे वाला पार्ट है उसकी एक साइड की लेंथ होगी। अब आपको पता है जितना इस तरफ होगा, यानी कि इस तरफ होगा जितना, जैसे कि मैंने आपको बताया था इस तरफ जितना होगा उतना ही इस तरफ होगा दोनों तरफ, तो यहां पे 0.6+0.6, तो आप कर लो उसको, ये आपके पास हो जाएगी, जैसे ये आपके पास टोटल बन जाएगी 12.4, ये सॉरी 4 है, 12.4 आपके पास ये आ जाएगी इसकी लेंथ। तो आपको ये चीज याद रखनी है, आपको ये चीज समझनी है कि दोनों तरफ से हमारी लेंथ इतनी आ गई। अब आपको विड्थ आपको गिवन होगी इसके अंदर, जैसे आपको विड्थ यहाँ पे गिवन है, ये गिवन विड्थ इसकी 0.3 मीटर, विड्थ आपको गिवन है, लेंथ आपको पता लग गई, आपको हाइट इसकी पता लग गई कितनी है, तो आप क्या करोगे, इसका आप वॉल्यूम निकालोगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, उससे क्या होगा आपका वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम से आप क्या करोगे, आप इसकी पूरा जो क्वांटिटी है वो आप निकाल लोगे, कितना आपने यहाँ पे एक्सकेवेट किया है। एक्चुअली हमारा पर्पस ये नहीं है, आज मैं आपको सुपर स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, ये आपको जस्ट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी कि थोड़ा सा आपको बताना कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो सुपर स्ट्रक्चर में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम करते क्या हैं। तो इसके अंदर हम सुपर स्ट्रक्चर में देखते हैं कि जैसे आपको पता है कि सुपर स्ट्रक्चर आपका ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर होगा, सुपर स्ट्रक्चर मैं बोलता हूँ जो ग्राउंड से, जो ग्राउंड लेवल से ऊपर का स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर, और जो ग्राउंड से नीचे का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं सब स्ट्रक्चर। यानी कि जैसे आप ये फाउंडेशन देख रहे हो, ये हो गया सब स्ट्रक्चर, और ये ऊपर वाली वॉल्स जितनी भी होंगी हमारी वो होंगी सुपर स्ट्रक्चर। तो जैसे अब आप दीवारों को आप मेजर करोगे, कैसे आप उसकी क्वांटिटी फाइंड करोगे, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि हम इसको एक्सटर्नली मेजर कर लेंगे, जो लंबे वाली दीवार है ये आपकी आ गई 5.6 मीटर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इसको आप इंटरनली मेजर कर लोगे, इसको आपको पता ही है कि ये कितनी इसकी लेंथ है, इसकी है 4 मीटर, तो 5.6 ये इस तरफ होगा और 5.6 इस तरफ होगा, ऐसे ही 4 मीटर इस तरफ होगा, 4 मीटर इस तरफ होगा। तो आप क्या करोगे, लेंथ आपको पता लग गई, विड्थ आपको पता है 0.3 मीटर, हाइट आपको यहाँ पे गिवन है,
ये आपको गिवन है हाइट इसकी 3.5 मीटर, 3.5 मीटर इसकी हाइट है इन दीवारों की। तो आप इस रूम की सभी दीवारों की हाइट लेंथ विड्थ को मल्टीप्लाई करके इसका वॉल्यूम आप निकाल लोगे, उस वॉल्यूम को आप मल्टीप्लाई कर दोगे उसके जितना भी उसका रेट है पर क्यूबिक मीटर उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास उसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो ऐसे हम इसकी कॉस्ट निकालते हैं, थोड़ा सा मैं आपको निकाल के बता देता हूँ उसमें। जैसे सपोज करो आपके पास दो तीन कॉलम होंगे, जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर आपके पास हम बात कर रहे हैं सुपर स्ट्रक्चर की, तो एक होगी लेंथ का, मैं इसको एल से डिनोट कर देता हूँ, एल लेंथ, और विड्थ को मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ, और डेप्थ को डी से। यहाँ पे मैं टोटल लिख रहा हूँ, तो आप थोड़ा समझ लेना इसको, मैं ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जैसे ये हमारी लेंथ होगी, यहाँ पे विड्थ आएगी, यहाँ पे डेप्थ आएगी, आगे टोटल होगा। जैसे लेंथ की बात करूँ मैं, लेंथ आपको मैंने बता दिया कि जो आपकी लॉन्ग वॉल होगी उसकी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉन्ग, यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट। तो लॉन्ग वॉल की जो लेंथ होगी ये मैंने आपको बताया, ये होगी 5.6 मीटर। इसकी जो विड्थ होगी आपको गिवन है 0.3 मीटर। इसकी हाइट भी आपको गिवन है जैसे 3.5 मीटर, तो ये होगी 3.5 मीटर। तो ऐसे करके इसका जो टोटल होगा हमारे पास वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 5.88। तो अब ये हमारे पास एक दीवार का आया, हम इसको क्या करेंगे, दूसरी दीवार का भी बिल्कुल सेम होगा, तो हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो हमारे पास आएगा 11.76 मीटर। आपके पास 5.88 एक साइड का आएगा एक दीवार का, आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 11.6 मीटर आ जाएगा आपके पास, इसकी पूरे की क्यूबिक मीटर होगा, मीटर क्यूब यहां पर लिख लेना, ये मीटर क्यूब होगा, क्योंकि आप लेंथ विड्थ और डेप्थ को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको वॉल्यूम मिलेगा जिसकी यूनिट होगी मीटर क्यूब। ऐसे ही आप जब आप शॉर्ट वॉल को देखोगे तो शॉर्ट वॉल में क्या होगा, जैसे कि लेंथ आपको पता है कि 4 मीटर, 4 मीटर लेंथ होगी, विड्थ आपको सेम है 0.3 मीटर, हाइट भी सेम है 3.5 मीटर, हाइट भी सेम है। तो इसका जो ये एक दीवार का हमारे पास आएगा, जब आप तीनों को इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक दीवार का वॉल्यूम आ जाएगा। तो जब आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास दोनों दीवारों का आ जाएगा, क्योंकि दोनों दीवारें सेम है, ये आपको याद रखना है, दोनों दीवारें सेम है तो ये दोनों दीवारों का आ जाएगा 8.40 मीटर। तो ये अब आपका क्या आ गया, अब आपके पास चारों दीवारें जो आपकी हैं ये, इन चारों दीवारों का आपके पास वॉल्यूम आ गया। आप इसको क्या करोगे, टोटल को प्लस कर लोगे, इस टोटल वॉल्यूम को आप प्लस कर लोगे। जैसे इसको प्लस करूं मैं, हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 20.16 मीटर क्यूब, या आप इसको क्यूबिक मीटर ऐसे लिख सकते हो, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो मीटर क्यूब, दोनों सेम चीज़ें। तो अब ये आपके पास इसका पूरा वॉल्यूम आ गया। अब जैसे आपको किसी ने गिवन है कि जैसे 1000 रुपये पर मीटर क्यूब का रेट है, पर मीटर क्यूब, तो आपके पास, आपको पता है कि आपके पास 20 मीटर क्यूब आपका एरिया बन गया, तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20.16 को, तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी पूरे कमरे की। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ा देखने वाली हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया कि आप क्या करोगे, जो आपकी लॉन्ग वॉल है उसको आप एक्सटर्नल मेज़र करोगे, बाहर से उसको आप मेज़र करोगे, जो आपकी शॉर्ट वॉल है उसको आप अंदर से करोगे। आप दोनों को बाहर से नहीं करोगे, दोनों को अंदर से नहीं करोगे, क्योंकि जो उसमें ये वाले एरिया होंगे, ये वाले पोर्शन होंगे, ये दोनों दो दो बार जुड़ जाएंगे। अगर आप ऐसे करोगे तो एरर आ जाएगा। इस एरर को एलिमिनेट करने के लिए आप जैसे मैंने आपको प्रोसीजर बताया वैसे आप फॉलो करोगे। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ये आपका रूम है, इसमें क्या होगा, इसमें कुछ डोर होगा, ऐसे कोई दरवाज़ा होगा, तो ये ठीक है, यहाँ पर कोई खिड़की भी होगी, तो आप क्या करोगे, इनको इसमें से माइनस करोगे। जैसे ये आपकी खिड़की, इसका मैं ले लेता हूँ कि ये 3x2 की है, तो आप क्या करोगे, ये जो आपका 6 जो आपका एरिया होगा, इसको लेंथ में से, विड्थ में से, हाइट में से, तीनों में से इसको माइनस करोगे जितनी इसकी विड्थ है। जैसे इसकी विड्थ मैंने ले ली 0.5 मीटर, इसकी मैंने जो लेंथ है वो मेरे पास होगी 2 मीटर, विड्थ जो मेरे पास हाइट है वो 3 मीटर होगी। तो ऐसे करके आप इसको इसमें से माइनस करोगे, इसके पूरे वॉल्यूम में से, जिस दीवार में लगा हुआ है उस दीवार के वॉल्यूम में से,
या फिर जिस जैसे ये दरवाजा आपका जहाँ पे लगा हुआ इस दर जिस जो डोर की इस दरवाजे की जितनी आपकी हाइट होगी वो हाइट, जितनी आपकी विड्थ होगी वो विड्थ, और जितनी इसकी डेप्थ होगी वो डेप्थ, वो आप सारी चीज़ें उस वॉल में से माइनस करोगे, ये आपको याद रखना है। तो उसको माइनस करके उसके बाद जो आपके पास वॉल्यूम आएगा उसका आप कॉस्ट निकालोगे। तो ये लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड का मैं एक छोटा सा आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर और वीडियो बनाऊँ और डिटेल में इसको बताऊँ तो आप कमेंट करें, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इसके ऊपर लेके आऊँगा। आई होप आपको सब समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।